आईपीएल के 10वें सीजन के पहले मैच में सनराइजर हैदराबाद की ओर से खेलते हुए युवराज सिंह ने शानदार बल्लेबाजी की। इस टूर्नामेंट में अपना सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले युवराज सिंह की बदौलत टीम को जीत मिली। युवराज ने रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के खिलाफ बल्लेबाजी करते हुए 23 गेंदों में 50 रन जड़े। आईपीएल में यह युवराज की 11वीं हाफ सेंचुरी थी। बुधवार को खेले गए आईपीएल सीजन 10 के पहले मैच में 35 साल के युवराज ने 27 गेंदों में अपनी टीम में सर्वाधिक 62 रन बनाए। युवराज ने इस पारी में 7 चौके और 3 छक्के जड़े। मैन ऑफ द मैच युवराज सिंह ने कहा, आप वापसी करके अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है। आपको इस बात की चिंता नहीं रहती कि आपको भारतीय टीम में वापसी करनी है। मैं ज्यादा देर बल्लेबाजी कर रहा हूँ, शॉर्ट गेंद पर मेहनत कर रहा हूँ। आज किस्मत ने भी साथ दिया, लेकिन मैं शॉर्ट गेंद को अच्छा खेल रहा हूँ। युवराज सिंह 11वें ओवर में बल्लेबाजी करने आए, उस समय हैदराबाद का स्कोर 2 विकेट पर 93 रन था। हालांकि 13वें ओवर में उन्हें एक जीवनदान भी मिला। न्यूज एक्सप्रेस की रिपोर्ट।